जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव रोरा में आज महिला सशक्तिकरण को लेकर लॉर्ड्स कृष्णा इंटर कॉलेज पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोतवाली जहांगीराबाद से पहुंची पुलिस टीम ने बेटियों को आत्मनिर्भर व सशक्तिकरण को लेकर एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन पर उनको हेल्पलाइन नंबरों का जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेटियों को डरना नहीं, आगे बढ़ना। उन्होंने बताया कि बेटियां हैं तो कल है, ये उनका कहना था। उन्होंने बताया कि आपके आगे पीछे जो दुस्साहस व्यक्ति आपका पीछा करते हैं, तो आप निसंकोच उसके बारे में अपने ऐसे संबंधित सगे संबंधित को जानकारी दें, गुरुजनों को जानकारी दें, क्योंकि आज बेटियां आत्मनिर्भर सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही मुहिम है, उनके द्वारा बेटियां आत्मनिर्भर। इस मौके पर नवदुर्गा का पर्व भी स्कूल में आयोजन किया, जिसमें लांगुरियों को भोजन में प्रसाद व आशीर्वाद भी लिया गया। उसके बाद महिला सशक्तिकरण को लेकर पेंटिंग की प्रस्तुति से बच्चों ने स्केच बनाए, 108 नंबर, 1076, 1090 नंबर भी उन्होंने अंकित किए उस स्केच के माध्यम से। अगर आप इस स्कूल के बाद भी जाएंगे, आपको कहीं और भी जाना पड़ेगा, आगे भी पढ़ना होगा, तो क्या करेंगे आप उन मंचलों के साथ जो इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं, बेटियों को छेड़ते हैं, उनका पीछा करते हैं? सर, पहली बात तो ये, हमें पहले उनका खुद ही सामना करना चाहिए। अगर हमसे बात ना बनी तो फिर हमें मतलब वुमेन हेल्पलाइन नंबर मिलाना चाहिए जो 1090 है, और हमें उनकी सहायता मांगनी चाहिए। और सर, मैं बेटी के ऊपर कुछ दो लाइन कहना चाहूंगी। बेटी बनकर आई हूँ माँ बाप के जीवन में, बसेरा हो कल मेरा किसी और के आंगन में। क्यों है रीत भगवान ने है बनाई, कहते हैं आज नहीं तो कल तू होगी पराई। देके जन्म माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वक्त आने पर उन्हीं हाथों ने हमें विदा किया। टूट कर बिखर जाती है हमारी जिंदगी, ये जरूरी तो नहीं कि उस बंधन में प्यार मिले। कविता में पूरा सारांश है, जीवन का परिचय है कि किस तरीके से हम बचपन से बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद विदा होते हैं, दूसरे घर जाते हैं, और किस तरीके से होते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर, ये आपके साथ आज बेटियां खड़ी हुई हैं, और किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें सर नंबरों के माध्यम से? पहले तो सर इनको अपने आप ही सामना करना चाहिए, जैसे इन्होंने बताया जी। लेकिन फिर भी कोई अगर नहीं मानता है तो 1090 एक नंबर होता है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, जिसके बारे में इनको बताया गया है। उस पर जब भी ये शिकायत करेंगे तो 10 मिनट के अंदर पुलिस इनके पास आ जाएगी। ये अपना नाम पता बताएंगे लेकिन वो गुप्त रखा जाएगा, वो बताया नहीं जाएगा, और 10 मिनट में ही रेस्पॉन्स करती है टीम। उसके बाद में इनसे फिर रिव्यू भी लिया जाएगा कि आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई। बताया हरेंद्र जी ने, एसआई ने, सर ने, कि किस तरीके से हो रही। मेरे साथ महिमा, आप, मैंने देखा है बहुत सारी बेटियों को आप जागरूक कर चुके हैं, बेटियों के साथ रहते भी हैं, मैंने मार्केट में भी आपको देखा है, समय समय पर जागरूक करते हैं। कहते हैं बेटियां हिचकती भी हैं बताने में, तो क्या उनको वाकई में वो बातें छुपानी चाहिए जो उनके साथ हो रहा है? गलत नहीं, उनको किसी से नहीं छुपानी चाहिए। सबसे पहले तो उनको अपने घर जाकर बताना चाहिए, अपने मम्मी पापा के साथ सारी बात शेयर करनी चाहिए। उसके बाद मम्मी पापा का भी फर्ज बनता है कि उनको सही सलाह दें, और अगर वो नहीं बता पा रही है तो अपने फोन से वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 डायल कर सकती हैं। उसके अलावा अदर भी नंबर हैं बहुत सारे, वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181 आप उस पर भी कॉल कर सकती हैं, 1076 है सीएम हेल्पलाइन नंबर, उस पर भी कॉल कर सकती हैं। वरना थाने पर तो महिला हेल्पलाइन है, आप वहाँ आ सकती हैं, 112 पर कॉल कर सकती हैं, 112 तो उसको ही पता रहता है ज्यादातर। और अच्छा मोनिका जी, देखा गया है कि कुछ बेटियां इस वजह से नहीं बताई जाती हैं कि हमारा जो नाम है, हमारी जो आइडेंटिफाई है, वो प्रेजेंट कर दी जाती है, कुछ इस वजह से भी डरती हैं, तो क्या करना चाहिए इसे? वो तो बताया चाहिए, मतलब इसमें इनकी पहचान तो छुपाई जाएगी ना जी जी। इसमें ये नहीं बताया जाएगा वो किसने कॉल की थी, उनके मम्मी पापा का नाम, उनका गाँव, ये नहीं बताया जाएगा वो कहाँ से, और 24 घंटे बाद फीडबैक भी ली जाएगी। अगर वो संतुष्ट है इस चीज से तो ठीक है, नहीं तो फिर 24 घंटे मतलब थाने पर 24 घंटे एक महिला कर्मी इन्हें मिलेगी। और किसी वजह से नंबर नहीं लग पा रहा तो हमारा थाना, आपने एक इनको बुकलेट भी दी है, तो उस बुकलेट में सब नंबर हैं, सब नंबर हैं उसमें, और
महिलाओं के लिए, जैसे गरीब गरीब है उनके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं है, उनकी योजना भी है उसमें, तो उसमें हेल्प होगी हर किसी की, हर मतलब सभी के लिए है, वो गरीब है या कोई भी है, ये नहीं कि हाँ जो अच्छी फैमिली से उनकी सुनी जाएगी, हर किसी की सुनी जाएगी। मोनिका और महिमा और हरेंद्र जी जो क्रिस्टीन्स आए हैं, उन्होंने बताया है कि डरना नहीं है, साहस करना है, बताना है वो एक्टिविटी जो हमारे साथ गलत हो रही है। इंटर कॉलेज के प्रबंधक कपिल चौधरी हैं। आज क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर एक ऐसा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो वाकई वो एक प्रेरणा देता है और उन बेटियों में ऊर्जा वर्धन और ऊर्जा भरता है जो आज बेटियां और जो बेटियों को आज गलत निगाहों से देखते हैं। मेरे साथ कपिल चौधरी जी हैं। कपिल चौधरी जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज आपके कार्यक्रम रखा है महिला सशक्तिकरण को लेकर? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। आज हमने महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम कराया है और पुलिस ने काफी सपोर्ट किया है इसके लिए। SHO आए हैं हमारे यहाँ और उन्होंने काफी मोटिवेट किया है बच्चों को, और 1090 ये बहुत ही अच्छा हेल्पलाइन नंबर चलाया है, इससे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट है, जिससे बच्चे अपने आप में एक हिम्मत भी कर पाते हैं, एक हौसला भी बढ़ता है बच्चों का। अच्छा, जैसे बेटियां होती हैं, हम देखते हैं निरंतर वो उनके साथ जो एक्टिविटी गलत होती है, वो बेटियां कुछ बता नहीं पाती, तो क्या उनको बताना नहीं चाहिए, ये बता देना चाहिए? नहीं, बच्चों को बताना चाहिए, स्कूल में बताना चाहिए और अपने पेरेंट्सों को भी बताना चाहिए, और ये जरूरी है बताना, नहीं तो उनके हौसले और बढ़ जाते हैं। वैसे इस गवर्नमेंट में ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही 0.01% ही ये माहौल रह गया है, वरना ये सब कुछ खत्म हो चुका है, और ये हेल्पलाइन नंबर और चल गया, इससे बच्चों को और मोटिवेट मिला है, मोटिवेट हुआ है बच्चे। अच्छा, स्कूल की तरफ से बेटियों को क्या सुरक्षा प्रदान? पूरी सुरक्षा है स्कूल की तरफ से, हमारी कैब है, कैब में वीडियोग्राफी चलती है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, GPRS लगा हुआ है, हमको ये पता रहता है हमारे बच्चे कहाँ हैं, घर पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, सारे रजिस्टर वगैरह मेंटेन होते हैं, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की है, जब तक बच्चा घर नहीं पहुंच जाता है तब तक पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की रहती है। ये तो बात हमारे आपके स्कूल की बेटियों की जी। अब बात करना चाहेंगे उन बेटियों की जो समाज में रहती है, जो समाज में रहती है, उनसे क्या कहना चाहिए सुरक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण बेटियों को? सुरक्षा तो बेटियों को पहले खुद ही अपनी करनी चाहिए सुरक्षा, तो सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट ने ये ऐप भी चलाया है, नंबर भी डायल किया है, इससे बहुत ही ज्यादा बच्चों के लिए सुरक्षा मिलेगी, और बाकी सुरक्षा के लिए समाज भी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, माहौल अब चेंज हो चुका है, गवर्नमेंट शासन बहुत सख्त है, ऐसी कोई दिक्कत नौबत अब नहीं आती है। चलिए, थे हमारे साथ कपिल चौधरी जी, प्रबंधक लॉर्ड्स क्रिसेंट कॉलेज से, जो कि बता रहे थे कि आज की दौर में बेटियां सुरक्षित है और बेटियां सुरक्षित महसूस भी कर रही है, और जिम्मेदारी है हमारी लॉर्ड्स क्रिसेंट इंटर कॉलेज की, उन बेटियों की जो हमारे यहाँ पढ़ती है, और उन बेटियों की भी जो समाज से जुड़ी हुई, वो अपने ऊपर हो रहे तो कुछ भी अत्याचार जो होता है उनको छुपाए नहीं, निसंकोच अपने पड़ोसी को, अगर परिवार में नहीं बता सकते हैं, पड़ोसी को, सहपाठी को, दोस्त को, वरना तो पुलिस तो मौजूद ही है, इन सबको जरूर बताएं, अपने साथ जो एक्टिविटी हो रही है गलत उसको बिल्कुल ना छुपाएं, क्योंकि आपकी एक बात छुपाना आगे एक बहुत बड़ा घटना को अंजाम दे सकता है। चलिए, ये थे हमारे साथ कपिल। सशक्तिकरण पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज लॉर्ड सेंटर कॉलेज में उन बेटियों को आज जागरूक किया गया है उन हेल्पलाइन नंबरों के लिए, जो नंबर उनके लिए काम आते हैं, उनके जो उनके साथ गलत गतिविधियां होती हैं उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं उन बेटियों के बारे में जो कॉलेज में पढ़ती हैं और कॉलेज से बाहर हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी जो भी हेल्पलाइन नंबर है वो बच्चों को बताया जाए जी। ताकि बच्चों को पता हो, उन बेटियों को पता हो उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उनके उसके बारे में बताना चाहिए स्कूलों में, उनके बारे में उनको आइडेंटिफिकेशन देने चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप डरिए मत, आप उन्हें बताइए, उस नंबर पे कॉल करिए, आपकी आइडेंटिटी छुपाई जाएगी और उससे फिर उनको डरने की जरूरत भी नहीं है। और घर वाले स्पेशली बेटियों पे ध्यान दें, उन पे फोकस मत करें कि उस कुछ गलत हो रहा है तो उसको दबाएं, उनका सपोर्ट करें। अच्छा, हम देखते हैं कि जो बेटियां कुछ अपनी बातों को बता भी नहीं चाहती हैं, कुछ उनके साथ गलत एक्टिविटी होती है, उनको वो छुपा जाती है, तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए? सर नहीं, ये हमारा एटमॉस्फेयर है उसके बच्चे डरते हैं, बेटियां हैं, कोई भी हो, घर परिवार इज्जत के मारे डरता है, तो जितना हम क्राइम को छुपाएंगे उतना ही क्राइम बढ़ेगा जी। तो मेरा तो कहना यही है कि क्राइम को ना छुपाएं, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत एक्शन लीजिए। अच्छा, ये तो बात बेटियों की हो गई, अब मैं बात करना चाहूंगा एज ए पेरेंट्स की, खासतौर से उन माओं की जिनकी वो बेटियां हैं, वो कैसे पहचान पाएंगी उनके साथ कि हमारी बेटी के साथ गलत हो रहा है,
और हम उसको कैसे पहचान पाएंगे घर परिवार में? सर एक माँ होती है, वो अपने बच्चे की सारी एक्टिविटीज जानती है। कुछ बच्चे अगर कुछ गलत तौर से हो रहा है तो बच्चे की एक्टिविटीज देखकर उसको पता चल जाता है कि बच्चा कुछ गलत हो रहा है, वो शांत रहती है। तो माँ जो होती है वो इस चीज को पहचान सकती है कि हमारी बेटी पहले कितना बोलती थी, हंसती थी, खेलती थी, अब वो शांत शांत रह रही है। तो माँ का फर्ज है कि अपने बच्चे से जाकर पूछे पोलाइटली होकर कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी बातें उससे एक दोस्त की तरह ट्रीट करे, तभी वो बच्ची भी अपने दिल की बात अपनी माँ को बता पाएगी। क्या कहना चाहते हैं उन बेटियों की जो समाज में रहती हैं, समाज के दूर से गुजर रही हैं, मार्केट में जाती हैं, मॉलों में जाती हैं, उन बेटियों से क्या कहना चाहते हैं उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए? बिल्कुल सही है, अपना सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। आप जितने ही सेल्फ डिपेंड बनेंगे उतना ही अच्छा है। बट यही बस यही कहना है कि आप जिस फील्ड में भी जाइए फुल कॉन्फिडेंस से जाइए, और फिर जो भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसका एक्शन लीजिए। जितना आप डरेंगी उतना आप डर के घर पे रहेंगी, उससे आप अपने फ्यूचर को और ज्यादा बेकार करेंगी। अपना चैनल बिगनिंग्स हमारे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि आज हम क्षेत्र के गांव रोरा के लॉर्ड्स कृष्णा इंटर कॉलेज में मौजूद है। मेरे साथ वो बेटियां मौजूद हैं जो कि आज महिला सशक्तिकरण को लेकर जो कार्यक्रम किया गया है, तो उसी को लेकर यहाँ मौजूद वो बेटियां हैं जिनसे मैं पूछूंगा, क्योंकि आज उनके घर में उनके हाथों में जो लग रहा है मिशन शक्ति का वो कार्ड लग रहा है जिसमें वो सारे नंबर मौजूद हैं जो महिला हेल्पलाइन से जुड़े हुए हैं, उस महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए हैं जो कि इनको आत्मनिर्भर बनाते हैं। मेरे साथ बेटी, क्या नाम है आपका? शीतल। शीतल, आज आपके हाथ में कार्ड लग रहा है और कार्ड में बहुत सारे नंबर भी हैं, वो नंबर जो महिला सशक्तिकरण और महिला हेल्पलाइन के नंबर होते हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ तो 10 क्षेत्र नंबर कौन सा होता है और किसको कॉल जाती है? 10 क्षेत्र जो नंबर है किसको कॉल जाती है? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। मुख्यमंत्री को जाती है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और मैं चाहता हूँ बेटा 108 नंबर जो होता है वो क्या नंबर होता है और कहाँ कॉल जाती है? इससे सर हमारे पास जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है हम उसको बता सकते हैं महिला हेल्पलाइन में। 108 नंबर एम्बुलेंस। मेरे साथ वो बच्चियां चाइल्ड को जाती है। अच्छा, आप इतने सारे बच्चे मौजूद है, अभी आपने सर ने आपको मैडम ने समझाया कि आपको कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी हो तो आपको उन हेल्पलाइन नंबरों पर आपको कॉल करनी है जो नंबर आपको दिए गए हैं। तो क्या नंबर है, सबसे महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा होगा? 1090 1090 1090 कॉल होता है। अच्छा, आज कॉलेज में लांगुरिया भी खिलाए गए हैं। कपिल चौधरी प्रबंधक नॉर्थ कृष्णा इंटर कॉलेज में पुलिस टीम मौजूद है, क्योंकि आज एक विशेष पर्व है, क्योंकि आज सभी ये आज छोटी छोटी बेटियां जो सुंदर प्रतीत हो रही हैं पोशाकों में, क्योंकि नवरात्र का पर्व है और आज कहते हैं कि माँ दुर्गा का आठे होती है, बड़ा शानदार पर्व होता है। कपिल चौधरी प्रबंधक उनको प्रसाद और के रूप में दक्षिणा भी दे रहे हैं। वाकई ये वो पल हैं, वो शानदार और वो खुशी के पल हैं जो आज कॉलेज प्रबंधक और कॉलेज पुलिस टीम जो मौजूद है यहाँ लांगोरियों को भोजन कराकर उनके माथे पर माँ दुर्गा का प्रतीत हो रही हैं सभी लांगुरिया। I don't know.